हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करेंगे शिव पार्वती विवाह कहाँ हुआ था। शिव पार्वती विवाह हुआ था उत्तराखंड के त्रिगी नारायण में। इस जगह को त्रिगी नारायण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस अग्नि को साक्षी मान के शिव पार्वती ने फेरे लिए थे वो अग्नि आज भी जल रही है, तीन युगों से लगातार अब तक जलती आ रही है। तो इसलिए इस जगह को त्रिगी नारायण कहा जाता है। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को और परिजनों को भी सेंड करो ताकि उनको भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद। भेजी भेजी, शिव पार्वती विवाह कहाँ हुआ था। शिव पार्वती विवाह बुला हुआ था उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पवित्र भूमि है जिसका नाम है त्रिगी नारायण। प्रणाम, मेरा नाम है विजय जमलोकी और मैं केदारनाथ से हूँ। केदारनाथ यात्रा पे आप जब आएंगे तो सोनप्रयाग तक आपको वैसे ही आना है। अब यहाँ से गौरीकुंड वाले रूट पे ना जाके सोनप्रयाग से एक रूट कट जाता है ऊपर की तरफ, 14-15 किलोमीटर की ड्राइव है और उसके बाद आप पहुंच जाओगे त्रिगी नारायण। माता पार्वती हिमालय के राजा हिमावन की पुत्री थी। उन्होंने शिव जी को पाने के लिए गौरीकुंड में कठोर तपस्या की और फलस्वरूप उनका विवाह शिव जी से संपन्न हुआ त्रिगी नारायण में। त्रिगी नारायण भगवान नारायण को समर्पित है। त्रिगी नारायण में माता पार्वती के भ्राता के सारे दायित्व प्रभु नारायण ने पूरे किए और पंडित जी के दायित्व ब्रह्मदेव ने। जिस अग्नि के फेरे शिव जी और माता पार्वती ने अपने विवाह के समय लिए थे वो धुनी आज तक जल रही है। तीन युगों से धुनी जल रही है, इसीलिए इसका नाम त्रिगी नारायण पड़ा। इस मंदिर में चार मुख्य कुंड है, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड, और जिस कुंड से इन कुंडों में जल प्रवाहित होता है उसका नाम है सरस्वती कुंड। और सरस्वती कुंड निकला है भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुई जलधारा से। कहते हैं इन कुंडों का पानी अति पवित्र है और 6 रोग भी इससे नष्ट हो जाते हैं। त्रिगी नारायण से एक पुराना ट्रैकिंग रूट निकलता है केदारनाथ के लिए। हाँ, अब एक्साइटमेंट तो आपको हो गई होगी, बट इसमें अकेले नहीं जाना है, किसी जानकार गाइड को ही यहाँ से ले जाए। तो अगली केदारनाथ यात्रा पर अगर आप आ रहे हैं तो त्रिगी नारायण मंदिर भी अवश्य जाएं। अगर कुछ नया जानने को मिला तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए फॉलो करें केदारवासी को। जय हिंद, जय केदार, जय त्रिगी नारायण। धन्यवाद।